चलो शांत हो जा भाई। देखो कल तक हम लोग एडवर्ब तक पढ़ चुके थे आई थिंक, है ना? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रीपोजिशन के बारे में। यहाँ से थोड़ी आपकी पढ़ाई यू टर्न तो नहीं, लेकिन आपको एफ टर्न जरूर ले रहा है। हाँ, जैसे अब तक आपने ये पढ़ा कि भाई कौन नाउन होगा, कौन प्रोनाउन होगा और कौन सा वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, और वैसा वर्ड जो कि रिलेशन को स्टेबल कर रहा है। दैट मीन अभी हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसा कि ग्राफ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा, प्रीपोजिशन के बारे में। ओके, तो प्रीपोजिशन का देखो हिंदी मतलब ही होता है संबंध सूचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जो संबंध को बताता है, ऐसा वर्ड जो रिलेशन को एस्टेबल करता है। इस एस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं कि संबंध बताने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। अंडरस्टूड? फिर से देखो, मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है, यानी प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब ही होता है कि संबंध सूचक वाक्य। सूचक का मतलब इंडिकेशन, संबंध का मतलब रिलेशन, और वाक्य का मतलब वाक्य यानी कि सेंटेंस, यानी कि संबंध बताने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहेंगे, या फिर संबंध बताने वाले वाक्य को प्रीपोजिशन कहेंगे। ओके, अरे भाई जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस किससे मिलकर बना है? वर्ड सही ना, तो सेंटेंस में वर्ड ही बताएगा कि कौन सा रिलेशन स्टेबल हो रहा है। जैसे कि वो कौन कौन से वर्ड होंगे ये तो आपको माइंड में आ रहा होगा ना, जैसे कि इन, ऑन, उसी तरह से एट, अंडर, बिटवीन, इटीसी, ये सारे जो शब्द हैं स्टूडेंट्स ये आपको कहलाएंगे प्रीपोजिशन वाले वर्ड। अंडरस्टूड? अब देखो ये सारे वर्ड को जन अगर आप और अच्छे से डीपली अगर समझना चाहो तो आप सेंटेंस में यूज करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने अब यहां पे दिया ना आपको इन, तो आप कुछ ऐसे देखो, देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट, जो कलम है वो मेरे पॉकेट में है। अब एक चीज आप बताओ स्टूडेंट्स कि कलम मेरे पॉकेट में है, यहां पे कलम और पॉकेट का रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है कि इन यानी मेरे पॉकेट में कलम है, इसका रिलेशन स्टेबल कर रहा है तो कौन कर रहा है? इन कर रहा है। इस तरह से इन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स हैं जो के संबंध यानी के रिलेशन बताते हैं, तो इस तरह से पॉकेट से कलम का रिलेशन आएगा इनके अंतर्गत। जस्ट लाइक सेकेंड हम ऐसा हिंट ले सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पर है। अब देखो किताब टेबल पर है, इसमें कौन रिलेशन बता रहा है? तो ऑन बता रहा है। वेरी गुड, तो ऑन हो जाएगा हमारा बोलना यार प्रीपोजिशन। उसी तरह से नेक्स्ट माई बुक इज अंडर द टेबल, जो मेरी किताब है वो टेबल के नीचे है। तो किताब और टेबल के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है? अंडर बता रहा है। इसका मतलब कि अंडर भी हो गया प्रीपोजिशन। जस्ट लाइक द पेन इज बिटवीन माई हैंड्स, पेन जो है हमारे किताब हाथों के बीच में ऐसे अगर है, अगर मैंने पेन को ऐसे रखा तो मैं क्या बोलूंगा? दिस पेन इज अंडर बिटवीन माई हैंड, या फिर उसको ब्राउडली आप बोल सकते हो कि द पेन इज बिटवीन माई हैंड्स, यानी मेरे हाथ के बीच में पेन है। अब देखो पेन और हाथ का रिलेशन कौन बता रहा है? बिटवीन बता रहा है। वेरी गुड, इसका मतलब कि बिटवीन भी हो गया हमारा प्री पोजिशन। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी कुछ सेंटेंस लेके देख लेते हैं। आई एम राइटिंग विथ पेन, मैं लिख रहा हूं कलम से, तो कलम और लिखने में कौन रिलेशन बता रहा है? तो विद बता रहा है। विद, विद मतलब साथ, इसका मतलब कि विद भी हो गया प्रीपोजिशन। जस्ट लाइक नेक्स्ट शी इज गोइंग टू स्कूल, कोई लड़की है वो स्कूल जा रही है, तो किसी गर्ल्स को स्कूल जाने में यानी स्कूल और जाने में इस दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है? टू बता रहा है। टू संबंध, देखो संबंध का सीधा सा क्या मतलब है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि कौन क्या कहते कौन मामा कौन फूफू, ये सब रिलेशन ना, रिलेशन का मतलब बा के कौन जोड़ने का काम कर रहा है। रिलेशन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना।
तो देखो अगर गोइंग स्कूल कर देंगे तो यहाँ पे देखो आपका सेंटेंस बहुत अटपटा सा लगेगा, ज्वाइंट नहीं लग रहा है। मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए हम एंड का, और का, और बट का, फॉर का, अंडर का, ऑन का, इन सारे चीज़ों का हम यूज करते हैं। इस वजह से ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे, बोलना, प्रीपोजिशन। वेरी गुड। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दो इन सारे सेंटेंसेस पे। क्या आपने गौर किया कि ये जो सारे सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ आपको एक ऐसा कोई आपको मतलब कॉमन पॉइंट दिख रहा है इसमें? कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें दिख रहा है आप लोग को? क्या हो रहा? अच्छा मैं हिंट देता हूं। चलो आज से पहले आपने क्या देखा था एडवर्ब में, वर्ब में देखे थे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि नाउन को क्लियरफाई कर रहे हैं, कुछ प्रोनाउन को कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा इसमें नहीं लग रहा? जरूर लग रहा है स्टूडेंट्स। चलो 5 सेकंड का सिर्फ टाइम देते हैं, हिंट मिल गया। 5 सेकंड में जल्दी से बताओ। चलो देखो देखो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ज्यादा भारी नहीं है, हिंट भी आपको मैंने दे दिया है। चाहूं तो मैं एक और बता के मैं आगे निकल दूं, आप भी ताली पीट के घर चले जाओगे, कब पढ़ाई हुआ, बार बार सेंटेंस हम बोलते हैं। लेकिन आपका माइंड कैसे शार्प होगा इसकी प्लानिंग करनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ, खुद को तैयार करो। देखो पहला सेंटेंस है कि देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। यहाँ पे क्या लग रहा है? ये सेंटेंस जो है प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है कि नाउन को कर रहा है कि वर्ब को कर रहा है और किसी पार्ट ऑफ स्पीच को कर रहा है? तीनों को कर रहा है ना। वाह कौन बोला है? अरे भाई साहब यहाँ प्रोनाउन किधर है या नाउन किधर है ये आपको देखना है। देयर इज पेन ऑन माई पॉकेट, क्या मतलब हुआ कि पेन मेरे पॉकेट में है। तो देयर, देयर का क्या मतलब होता है? द बुक, तो पहला वाला सेंटेंस द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या है? नाउन को इंडिकेट कर रहा है द बुक इज ऑन द टेबल। आगे देखिए माई बुक इज अंडर द टेबल, यहाँ भी नाउन को। द पेन इज बिटवीन माई हैंड्स, यहाँ भी नाउन को। आई एम राइटिंग विथ पेन, अब बताओ आई क्या है? प्रोनाउन है या नहीं है? प्रोनाउन। आगे देखिए शी इज गोइंग टू स्कूल, शी क्या है? पता ये चला कि इनमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि नाउन वाले हैं और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें के प्रोनाउन दिया गया है। अब एक चीज और ध्यान रखो, नाउन और प्रोनाउन के साथ इसमें सेंटेंस देखो, शी इज गोइंग टू स्कूल, तो कोई लड़की का संबंध कौन बता रहा है? टू बता रहा है। इसका मतलब के प्रोनाउन के रिलेशन को बताने का काम करता है प्रीपोजिशन। दैट्स ऑल। दूसरा पॉइंट यहां से देखिए, ये सब क्या है? नाउन, यहां से यहां तक नाउन को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये नाउन के भी रिलेशन को बताने का काम करता है। यहां से बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज और देखो, ये नाउन के पहले आकर, नाउन के जैसे यहां देखो, यहां पे दिया गया आपको इन, इन क्या है? पॉकेट, माई पॉकेट, यानी कि नाउन के पहले। अब यहां पे देखो ऑन, टेबल के नाउन के पहले। उसी तरह से यहां भी टेबल, ये भी इसके पहले। हैंड इसके भी पहले आया आपको बिटवीन। मतलब क्या? या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का काम करता है। बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट्स आपको इन सारे सेंटेंस से निकल रहा है, समझ में आ रही है बात? आपको मैं पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड बनाने का काम कर रहा हूं। तो आप सेंटेंसेस से पॉइंट्स निकालना जिस दिन सीख लीजिएगा ना, ऊपर वाले की कसम, उस दिन आप ओरिजिनल स्टूडेंट्स बन जाओगे या सेल्फ स्टडी करना सीख जाओगे। तो ऐसे ही होता है, हम लोग भी कोई थोड़े ना कोई ऊपर से सीधे आयत जैसे उतरता है कि लिख लेते फटाफट, खुद ही मेहनत करते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। चलिए नोट में इसका मतलब हम दे सकते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। यही बात है ना, प्रीपोजिशन किसका संबंध बताएगा? नाउन और प्रोनाउन का। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया लिखने में, तो आप इसको सही कर लेंगे, PRONOUN, ठीक है ना, यहाँ पे टी एक्स्ट्रा दिला गया है। आगे देखो प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। प्रयुक्त का होने का मतलब कि वहां पर उसका यूज होता है। अब देखो भाई आपने क्या क्या पढ़ा अभी कि प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स हैं जो संबंध बता, प्लीज ध्यान रखिए डिफिनीशन देखो कैसे बनेगा, डिफिनीशन आप खुद से बना लोगे। आपने क्या क्या पढ़ा
कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का, संबंध जोड़ने का काम करता है। कैसा संबंध? नाउन और प्रोनाउन का। कहाँ पे करता है? तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आके यूज होता है। इसका मतलब कि आप इसको आसानी से कुछ ऐसे डिफिनेशन दे सकते हो कि प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन यानी कि संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताए, वैसे वर्ड को हम कहेंगे प्रीपोजिशन। कितना आसान हो गया, फिर से देख लो। प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताता है, वैसे वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आई ना? इस तरह से डिफिनेशन अपने आप बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, इसी चीज को हम कुछ ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स अ रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। ओके, सेम चीज देखो। प्रीपोजिशन वैसा वर्ड है यानी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। तो अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन जो कि अपना संबंध बताता है सम अदर वर्ड्स इन दी सेंटेंस। अब देखो यार, जितना भी चीज आपने अभी पढ़ा उसमें लग नहीं रहा है कि एक मैं आपको हिंट दे रहा। अगर बाय द वे मान रखो कि जितना चीज मैंने आपको पढ़ाया वो सारी चीजें अगर आपको फिर भी अगर अभी भी टफ लग रही है, हालांकि नहीं लग रहा फिर भी अगर लग रहा है, कितने को लग रहा है बताओ, हाथ उठाओ, बिना शर्माइए नहीं, उसका भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, कितने ऐसे स्टूडेंट जिसको 100% नहीं समझ में आया हो, 100%, चलिए एक आदमी और, बिल्कुल नहीं शर्माइए, हाँ बिल्कुल हाथ उठाइए, पढ़ाई में बेशरम बन जाओ भाई तभी कामयाबी मिलने वाली है। लगभग 20% लोग को 100%, 20% बहुत है। मेरी तो प्लानिंग है कि हर बच्चे को एक इक्वल तरीके से नॉलेज देना है, तो पक्का। अब देखो मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं आपको, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। पोजीशन का मतलब स्थान, तो प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्री पोजीशन। मतलब क्या कि वैसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो वेरी सिंपल, यही तो है। प्री का मतलब पहले और पोजिशन का मतलब स्थान, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थान पे रिलेशन बताने वाले वर्ड को क्या कहोगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। अभी भी भूलिएगा, प्रीपोजिशन तो कोई ना कोई पूछेंगे ही ना। तो प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब स्थान, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के स्थान से पहले आने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहेंगे। और प्रीपोजिशन क्या करता है? तो रिलेशन बताने का काम करता है। क्या गुड़िया, समझ में आया ना? यह ना गुड़िया, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सलेंस स्टडी सेंटर 9546604112। चलिए आगे देखो भाई, हम कुछ सेंटेंसेस और ले रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस और ले रहे हैं ताकि और भी कई सारे प्रीपोजिशन हैं उसकी भी आपको जानकारी हो जाए। अंडरस्टूड? अरे बोलो ना आप लोग, क्या हुआ, थक गए क्या? अगला, जैसे देखो, आई एम टॉकिंग टू हर, मैं जो हूं वो किसी लड़की से बात कर रहा हूं। ओके, आई एम टॉकिंग टू हर। अब मेरा बात करना किसी गर्ल से, ये कौन यानी टॉकिंग और हर का रिलेशन कौन बता रहा है? टू बता रहा है, मतलब कि टू भी होता है प्रीपोजिशन। आई एम कमिंग फ्रॉम एक्सलेंट स्टडी सेंटर, ESC यानी कि एक्सलेंट स्टडी सेंटर। आई एम कमिंग यानी कि मैं आ रहा हूँ एक्सलेंट स्टडी सेंटर की तरफ, फ्रॉम मीन्स से मतलब की तरफ से आ रहा हूँ। अब बताओ हमें यहाँ पर ESC का रिलेशन कमिंग से कौन कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है, मतलब कि फ्रॉम भी हो जाएगा प्रीपोजिशन। शी इज कमिंग टूवर्ड्स ESC, कोई लड़की है जो आ रही है
टुवर्ड्स ईएससी की ओर से। अब ईएससी की ओर से आ रही है तो शी और ईएससी का रिलेशन कौन बता रहा है? टुवर्ड्स बता रहा है। ओहो आगे देखिए, माय फ्रेंड कम बाय कार। माय मेरा जो दोस्त है वो कार से आ रहा है। अब मेरे दोस्त को और कार से आने में कौन रिलेशन बता रहा है? कौन? बाई बता रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे माई फैन इज ओवर माई हेड। जो फैन है ये मेरे सर के ऊपर है, बिल्कुल सर के ऊपर, बात सही है। अब फैन का और सॉरी सर का और फैन का ये रिलेशन कौन बता रहा है? ओवर बता रहा है, ओ वी ई आर, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा प्रीपोजिशन। देखो स्टूडेंट हेलो शांत शांत, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कुछ और सेंटेंस, अभी भी कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि आपको सेंटेंसेस में नहीं आए हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने हेडिंग दिया इसकी वजह से, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसको हम एक ही साथ बता दे रहे हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा टू प्लीज, ए भाई साहब क्या बात करने के लिए तो पूरा समय बचा, कीजिएगा ना। आगे देखिए, टू फ्रॉम बाय अवर विथ विदाउट ऑफ अमॉन्ग बिलो नियर आफ्टर बिफोर अप, ये सारे इवन स्टूडेंट सिंस बिहाइंड टूवर्ड्स अबाउट इटीसी, ये सारे टोटल आपको क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। एक बार हमको बताओ तो प्रीपोजिशन कौन कौन हो सकता है बोल। इसके अलावा कुछ बता सकते हो? देखो इसमें वही सारे लिया गया जो कि सेंटेंस में नहीं है, इससे पहले वाले सेंटेंस में, वो सारा इसमें मैंने नहीं लिया है, ये टोटल नहीं है, वो सब मैंने लिया है जो कि आपको सेंटेंसेस में नहीं है। तो अब हमें बताओ कि इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो प्रीपोजिशन है लेकिन नहीं है, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या क्या बोले फिर से बोलो। इन ऑन अंडर, वेरी गुड। और एट भी तो नहीं है इसमें, एट है क्या? नहीं। और बताओ, और सर बट फॉर बिकॉज, हाँ बिकॉज, बिटवीन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सारे आपको टोटल का टोटल हो जाएगा क्या? प्रीपोजिशन। अब इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं है, पूरा प्रीपोजिशन का खानदान हम लोग देखो तो देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई एक चीज यहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिए, यहां पर आप लोग चूक जाइएगा बिल्कुल, अभी माइंड को एकदम पैक कर लो, कंसर्न पूरी तरह से क्लास में मौजूद हो जाए, बॉडी और दिमाग दोनों से। सम सिमिलर सेंटेंसेज, कुछ खड़े हो जाने दिख रहा है तो, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो के सिमिलर हैं इन्हीं सब से, इसी सब की तरह है, लेकिन आपको पता है वो आपको प्रीपोजिशन में नहीं आता है, या फिर आता है तो कैसे आपसे हम पूछना चाहेंगे। चलो जैसे कम इन, इसमें कौन है प्रीपोजिशन? कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो फिर इसमें इन क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नाउन प्रोनाउन इसमें तो है नहीं, तो लेकिन इन है क्या? आई रे अभी तो बोला कि नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन नहीं होगा, तो नहीं होगा फिर नहीं होता तब छोड़ दीजिए, होता तब नेपाल में होता, इंडिया में अभी नहीं है, तो नहीं है तो बताओ। ए मिस्टर नेपाली बताइए, नेपाली बोलना कोई गलत बात नहीं है, आप नेपाल के हैं तो बोल सकते हैं। चलिए हाँ, तो मेड इन नेपाल साहब बताइए, कम इन में इन क्या होगा, कोई भी बताओ, पता ये नहीं बताते ना, तो कोई कोई स्टूडेंट आपको फंसा देता, बोलता अच्छा बड़ी तारीफ करता है अपने मास्टर का, बताता ये पढ़ल को तरीका होगा। अब तुम फंसा सकते हो सबको, पूछिए अपने साथी से, मजा आएगा आपको, वो आज नकल आपका जाना वो मुरीद बन जाए, बोलेगा यार ये कहाँ से लाता है सेंटेंस अब तू, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। कम इन में बताइए हमको, कम इन में बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, थैंक यू बोलना चाहेंगे मेडिन नेपाली कि आपने ये ध्यान रखा कि नाउन प्रोनाउन इसमें नहीं है, इसी वजह से प्रीपोजिशन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई इन जो है ना, आपने एक चीज पढ़ा था इससे पहले, क्या पढ़ा था? एडवर्ब के बारे में, तो इन जो है वो एडवर्ब हो जाएगा,
ठीक है, एडवर्ब का डिफिनेशन मैंने बताया था। आगे देखिए, आई हैव, अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। आई, प्लीज शांत होइए, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन, ऐसा मैंने कब, दिस बिफोर यानी इससे पहले। अब हमें बताओ कि इसमें प्रीपोजिशन कौन है, इसमें तो नाउन है तो प्रीपोजिशन कौन है बताओ, बिफोर होगा प्रीपोजिशन। क्या सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, क्या वाह, बिग हैंड, वाह। यही वजह है कि हमको इस क्लास में पढ़ाने में भी हम भी पूरा आप लोग को 100% दे पा रहे हैं। आप लोग में सुधार तो हुआ है वाकई में, बहुत अच्छी बात है। ये आपको लास्ट में आ रहा है, पता है आपको, इसी वजह से नोट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, इसीलिए हम वो आपको नोट में लिखवा भी दिए हैं कि ज़रूरी है कि वो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बात। तो ये होगा क्या भाई साहब, ये होगा फिर क्या, बिफोर भी एडवर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब है, कैसे एडवर्ब है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। आगे देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं। चलिए तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गैप लिए थे, अजान हो रही थी। देखो तीसरा सेंटेंस हमारा ये था कि द ट्रेन हैड स्टार्ट, प्लीज यार चुप हो जाना भाई, किधर से आवाज आ रही है आप लोग, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, क्या मतलब हुआ। देखो आप लोग इंग्लिश से घबराइए मत, हवाई हवाई उड़ गया इतना इसी सेंटेंस पे आप लोग के चेहरे से, एकदम भारी नहीं है। देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हुआ, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, वी रीच्ड द स्टेशन, रीच का मतलब पहुंचना, यानी हम स्टेशन पे पहुंचे पहुंचे पहली ट्रेन स्टार्ट हो गया, बात समझ आई ना, कितना आसान है। वही तो कहा गया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, यानी हम लोग जब तक स्टेशन पे पहुंचे पहुंचे रीच्ड हुए हुए ट्रेन बिफोर हो गया मतलब नहीं, हाँ ट्रेन निकल गई मतलब। अच्छा, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है, यहाँ देखो बिफोर है प्रीपोजिशन, कायदे से तो यही बात है, इसीलिए इस चीज को मैंने दिया है कि सम सिमिलर सेंटेंसेस, एक ही जैसे सेंटेंस रहेंगे लेकिन इस सेंटेंस में ये आपको प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है कंजक्शन का, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को भी जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कंजक्शन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये अलग प्रकार से कंजक्ट करने का काम कर रहा है, इस वजह से ये प्रीपोजिशन नहीं होगा। पता ये चला कि हम नोट्स में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक ही वर्ड प्रयोग यानी के यूज के मुताबिक, एक ही वर्ड यूज करने के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के अलावा, प्रीपोजिशन के अलावा, जैसे कि बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन तो है लेकिन इसके अलावा अलग सेंटेंस जब बनेगा उसका तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, वो कंजक्शन भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं और अलग दूसरे भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को भाई साहब बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। चलो एक बार सम अप कर लेते हैं, अभी अभी हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा प्रीपोजिशन के बारे में, कि प्रीपोजिशन वैसा वर्ड है जो के संबंध सूचक होता है, यानी के संबंध बताने का काम करता है, दैट मीन रिलेशन को बताने का काम करता है, कहाँ रिलेशन बताता है, नाउन और प्रोनाउन का, कहाँ पर, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आके,
इस तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को देखें, एंड बट बिफोर अंडर एट इन ऑन दिस दैट, दिस दैट नहीं होगा कहने वाला, दिस दैट मतलब और भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि ये सब जो है रिलेशन बताने का काम कर रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। फिर लास्टली मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज तो होता है लेकिन सेंटेंस के मुताबिक वो प्रीपोजिशन नहीं होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं वो आपको प्रीपोजिशन नहीं कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? बिल्कुल क्लियर है? कम से कम इतना तो याद ही रखना कि रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार बोलिए तो सब लोग यही बात। आराम आराम से बिल्कुल, चलिए मेरे साथ बोलिए। एक मिनट, इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या था? एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या? नाना पर नाना क्या कैसे बोल रहे हैं आप लोग? चलिए मेरे साथ बोलिए। प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, दैट मीन संबंध, सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताए, वे प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे में अपने से बोल दीजिए आप लोग, जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा? वर्ड खाली बताओ। अरे एक यूनिटी बनाओ ना, एक 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 साथ बोलो ना कम से कम। चलो ठीक है आटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। स्टूडेंट, फुल चैप्टर एंड फुल कोर्स की प्राप्ति के लिए प्लीज ज्वाइन करें एक्सलेंट स्टडी सेंटर सीतामढ़ी। ज्वाइन नाउ 9546604112।